विरोध करने के कई तरीके आपने देखे और सुने होंगे। कई लोग अपना विरोध दर्ज कराने के लिए कई अनोखे तरीके भी अपनाते हैं। ऐसे में ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के कार्यकर्ताओं ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य के सनातन विरोधी बयान से परेशान होकर ऐसा विरोध किया जिसके बारे में तो खुद कभी स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी नहीं सोचा होगा। आपको सुनकर हैरानी होगी कि ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद ने स्वामी प्रसाद मौर्य को एक बुर्का भेजा है। जी हाँ, ठीक सुना आपने। इतना ही नहीं, उन्होंने तो स्वामी प्रसाद मौर्य से मांग भी की है कि वो यही बुर्का पहनकर अपनी वास्तविक पहचान के साथ देश के हिंदू समाज के सामने आए। आपको बता दें कि ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के कार्यकर्ताओं ने सोमवार को एक बैठक करके स्वामी प्रसाद मौर्य के बयानों का विरोध करते हुए उनकी राजनीति को देश के लिए विभाजनकारी बताया। ज्ञानवापी मुक्ति महापरिषद के संयोजक राजा आनंद ज्योति सिंह का कहना था कि भाजपा से स्वामी प्रसाद मौर्य का जुड़ना और अलग होना दोनों के ही पीछे सिर्फ और सिर्फ उनका स्वार्थ था, न कि जनता के हित के लिए। स्वामी प्रसाद मौर्य जो कि भाजपा सरकार में मंत्री रहते हुए जय श्री राम के नारे लगाते थे, अब गोस्वामी तुलसीदास की रामचरितमानस, भगवान राम और हिंदू समाज को गाली दे रहे हैं। हिंदू समाज ने शुरुआती बयानों को राजनीतिक विषय मानकर नजरअंदाज किया, लेकिन स्वामी प्रसाद मौर्य की लगातार जहर उगलने की आदत के कारण हिंदू समाज अब अपनी आस्था और सम्मान के प्रतीकों का इसे अपमान मान रहा है। इसीलिए हम उन्हें बुर्का भेज रहे हैं ताकि वो अपनी असली पहचान के साथ हिंदू समाज के सामने आए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी द्वारा लगातार हिंदू धर्म और सनातन संस्कृति के खिलाफ जो अवध टिप्पणी की जा रही है, रामचरित मानस का जिस प्रकार अपमान किया जा रहा है, आए दिन लगातार राजनीति एक अलग विषय होता है और धार्मिक ठेस पहुंचाना एक अलग विषय होता है। लगातार इनके द्वारा हिंदू समाज को, उनके धर्म को नीचा दिखाने का प्रयत्न किया जा रहा है। चूंकि जिस प्रकार की वो हरकत कर रहे हैं, वो हिंदू धर्म में अगर हिंदू है तो कतई नहीं कर सकता है, लिहाजा उनके लिए हम लोगों ने हिजाब बुरके का प्रबंध किया है और उनको ये बुरका भेजकर उनको ये कहा जा रहा है कि आप अपने वास्तविक रूप में आए और बुरका पहनकर हिंदू समाज के सामने आकर अपना जो वास्तविक स्वरूप है वो समाज के सामने रखें। स्वामी प्रसाद मौर्य हमेशा ही अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा का विषय बने रहते हैं और ऐसे में कहा जाता है कि वो सनातन धर्म का आए दिन अपमान करते रहते हैं। लेकिन हाँ, एक बात तो साफ है कि ऐसा अनोखा विरोध होगा उनका, ये तो उन्होंने भी कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा। आपका इस अनोखे विरोध प्रदर्शन को लेकर क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। वाराणसी से रोशन जायसवाल की रिपोर्ट, यूपी तक।